हेलो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल से अच्छा होंगे। तो दोस्तों, आपका जो है गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर स्वागत है। अभी हम गोरखपुर जंक्शन पे हैं और गोरखपुर जंक्शन को इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, सेकेंड नंबर पर रेलवे स्टेशन। पहले ये फर्स्ट पे था, लेकिन कुछ ही दिन पहले कोलकाता में हुबली नाम की एक जंक्शन है उसे माना जाता है। तो फिर हम जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, क्योंकि जो हमारी मैलानी एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आती है। और ये ट्रेन यहीं से जो है 40 मिनट लेट हो गई थी। और मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से बता दूं, अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप रेलवे स्टेशन के बाहर जा सकते हो। बाहर से मैंने खा लिए थे छोले भटूरे, क्योंकि अच्छे खासे प्राइस भी मिल जाते हैं, क्योंकि इस ट्रेन में कोई पेंट्री कार नहीं था। फिर ये ट्रेन आती है अपने प्लेटफॉर्म पर 40 मिनट के देरी के साथ, वेव 7 लोकोमोटिव के साथ। दोस्तों, प्लेटफॉर्म पे दिखाया जा रहा था कि जो स्लीपर का कोच है यहाँ लगेगा, लेकिन जो इस ट्रेन में स्लीपर की कोच थी वो सारी आगे थी। तो बर्थ है 29। भाई आज तो ट्रेन भाई बहुत दौड़ा दिया। एंड इसके अपोजिट साइड लगी है वंदे भारत, आपको दिखाते हैं। क्या देख सकते हो, इसके अपोजिट जो है वंदे भारत आके लग गई है। और मैं बोलूँ तो कल मेरा रिटर्न टिकट है, 3 दिन होने वाला था, बट सैटरडे संडे ऑफ चलती है। तो यार अभी भाई जर्नी स्टार्ट होगा तो दिखाएंगे। ट्रेन यहीं पर जो है 40 मिनट लेट चली है, देखो मॉर्निंग का टाइम ऑन टाइम पहुंचाती है या नहीं। तो दोस्तों, 10 मिनट के बाद जो है अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो जाता है, वो गोरखपुर से निकल जाती है। फिर मैं जाता हूँ वाशरूम, तो मैं आपको वाशरूम का टूर भी दे देता हूँ। यहाँ पर मिरर था और वेसिंग था। अभी तो गोरखपुर से निकली थी, पानी भी चल रहा था वेसिंग में, और गोरखपुर से निकली थी तो जो इसका वाशरूम था वो क्लीन था। तो मैं जाता हूँ दूसरे साइड, क्योंकि यहाँ पे ये इंडियन था और मुझे लगा दूसरे साइड जैसे और ट्रेनों में वेस्टर्न है, यहाँ वेस्टर्न ही होगा। लेकिन जब अंदर जाता हूँ तो भाई वहाँ तो अलग ही सीन हो जाता है। तो यहाँ पर हम दरवाजे को बंद करते हैं, फिर जाते हैं दूसरे साइड। और भाई जैसे मैं यहाँ खोलता हूँ, यहाँ देखो भाई, यहाँ वेस्टर्न नहीं था, इंडियन ही था, और सेम एज इट इज जैसे फर्स्ट वाला था ये भी था। फिर जो यहाँ पे मिरर रहता है और हैंड वेसिन रहता है, लाइट वगैरह सब चालू थे और दरवाजे। उसके बाद दोस्तों हमारी ट्रेन पहुँच जाती है गोंडा के पास, और मुझे रात में नींद नहीं आ रहा था, मैं बाहर आया, हल्की फुल्की बारिश हुई और जर्नी में मज़ा आ गया। फिर ये जो गोरखपुर से छपरा जाने वाली कोई ट्रेन थी, जाके प्लेटफॉर्म पर लग रही थी। रात था, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। और ये जो ट्रेन जा रही थी, और ये ट्रेन भाई लेट पे लेट होती जा रही थी कि आप पूछो मत। और जानते जाओ गाइस, यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा लेट हो गए थे। मुझे डर था कि मॉर्निंग के टाइम में ये ट्रेन ऑन टाइम पहुँचाएगी नहीं। फिर यहाँ देख लो लोग कैसे सोए रखे हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं टीटी सर, सुनो कहानी। आवाज़ क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो था बंदे ने सीट एक्सचेंज की थी, तो वही पूछने आया था। उसके बाद टीटी पूछ के चला जाता है। उसके बाद टीटी वैसे टिकट तो चेक नहीं किया, और इस ट्रेन में लोग काफ़ी लोग बिना टिकट के भी भाई ट्रेवल करते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। फिर मॉर्निंग के टाइम उठता हूँ तो देखता हूँ सारे लोग सोए रखे थे, और ट्रेन में भाई उतना क्राउड भी नहीं था, लेकिन था फिर भी स्लीपर में बिना टिकट वाले बंदे भी इस ट्रेन में देखने को मिल रहे थे हमें। और सामने से कोई ट्रेन क्रॉस करते जिसे कि हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद दोस्तों ये ट्रेन चली जाती है गोमती नगर, क्योंकि हमें गोमती नगर उतरना था। और देख लो इस कोच में जितने भी लोग थे ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम गोमती नगर में ही उतर जाते हैं, और हमें जहाँ जाना था यहाँ से गोमती नगर का डिस्टेंस भी काफ़ी कम था। और उसके बाद दोस्तों जैसे ये गोमती नगर स्टेशन पहुँचे, इस स्टेशन कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट था, और जहाँ पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। और यहाँ पे जब उतरते तो ना सारी जनता लगता है कि यहीं पे उतर गई है, और यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा थी। मॉर्निंग का टाइम भी था और काफ़ी सारे आज के डेट में एग्ज़ाम भी थे, तो स्टूडेंट्स हमको देखने को ज़्यादा मिल रहे थे। फिर ये ट्रेन अपने 2 मिनट के बाद गोमती नगर से निकल जाती है, और सारे यात्री भी अपना निकल जाते हैं। और उसके बाद जो हमें प्रॉब्लम होती है, आप उसे सुनो। दोस्तों बता दें कि यहाँ गोमती नगर स्टेशन पे आपको फ्रेश होना है, या वाशरूम होना है, या टॉयलेट भी जाना है, इवन पेशाब के लिए भी, तो आपको कोई भी जगह नहीं मिलेगी, वाशरूम को बाहर ही करना पड़ेगा। और हमें हो गई यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट था। गोमती नगर स्टेशन को काफ़ी अच्छा बनाया जा रहा है,
बाहर यहाँ पे मिल गया तो मैंने कर लिया। और उसके बाद आप भी देख लेना भाई अपना प्रॉब्लम, नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। और आप यहाँ पे वॉशरूम वगैरह नहीं कर सकते, सब चीज़ें बंद थी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में, और तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब।